क्या लिखा है, पुल के आसपास लिखे निर्देशों का यदि आप पालन नहीं करते हैं तो भरदास देवता आपको संकट में डाल सकते हैं। पानी का स्वाद काफी टेस्टी है, बहुत ज्यादा टेस्टी है, पहाड़ का पानी है। वो कौन है तुम्हारा, ये छिप गई, अरे अरे इसे भी देखो, क्या क्या आरोही तो मंदिर। Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make
all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive, yeah. देहरादून घूमने आ रहे हैं और मैसूरी सहस्त्रधारा ऐसे जगह का टूर बना रहे हैं तो आप कोटी आना ना भूलें, क्योंकि ये भी एक बहुत फेमस प्लेस में आता है कोटी, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं कोटी के बारे में। और आप इस ब्लॉग में पूरा शुरू से अंत तक देख सकते हैं कैसे कैसे कहाँ आना है, क्या क्या कोटी में आके क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, क्या क्या नज़ारा, ये देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बादल को अब छू दिए हैं हम लोग, बस बादल छूने छूने के हैं। और रास्ता भी काफ़ी सही है, खतरनाक नहीं है, देख सकते हैं पानी अभी ज़्यादा नहीं दिख रही है, बट अभी देखते हैं कैंटी फॉल के रिवर के पास जाके क्या है क्या नहीं है। लेकिन हमें बादल का नज़ारा काफ़ी सही मिल रहा है देखने को, आप देख सकते हैं हम बादलों के बीच में हैं, यहाँ हल्की हल्की बूंदें पड़ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे क्या उस ओला की तरह बूंदें पड़ रही है, आपको पता नहीं चल रहा होगा लेकिन हमें फील हो रहा है, ये देख सकते हैं। लोग ज़्यादा अवेयर नहीं है, इसकी वजह से नहीं आ पाते हैं, तो मैं इसलिए सोचा कि मैं एक वीडियो बना लूं यहाँ का। तो ये देखिए झरने का स्रोत है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये झरने का स्रोत है, पानी आया जा रहा है पानी, ये देखिए यहाँ से झरना निकलती है और ये आवाज़ सुन सकते हैं, माइक बंद करो थोड़ी, हाँ ये देखिए आप नेचुरल साउंड सुन सकते हैं झरने की। चलिए आगे चलते हैं और थोड़ा और अच्छा करीब से होके दिखाते हैं पुल पे जाके। और यहाँ से नदी निकलती है देख सकते हैं, अभी हम लोग पैदल ट्रैकिंग के रास्ता से झरना की ओर जाएंगे और ये झरने के रास्ते में कुछ निर्देश दिए गए हैं, आपको मैं पढ़ के बताता हूँ क्या क्या है। ये देखिए क्या लिखा है, पुल के आसपास लिखे निर्देशों का यदि आप पालन नहीं करते हैं तो भरद्वाज देवता आपको संकट में डाल सकते हैं। तो आपको निर्देश का तो पालन करना ही होगा अगर यहाँ आते हैं तो, और यहाँ पे देख सकते हैं जो भी निर्देश दिया गया है उनको पढ़ ही लेना पड़ेगा। तो चले हम लोग अब राफ्टिंग की ओर चलें, शूज खोलना तो नहीं पड़ेगा तो आप लोग पढ़ लिए निर्देश क्या क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ आए तो निर्देश का तो पालन करें। और अभी हम लोग पैदल का रास्ता से ट्रैक करेंगे, वहाँ झरना की ओर जाएंगे और चलिए चलते हैं। अब बाइक तो खड़ी हो गई है यहाँ पे और प्रिंस यादव टोपी लगा लिए हैं और हम लोग निकलते हैं, चलें झरना की ओर चलें, तो चलो झरना की ओर चलते हैं। शूज खोलना तो नहीं पड़ेगा, अरे भींगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए
और यहाँ अभी फिलहाल झरना के आसपास खाना पीना नहाना मना है, बस आप आके घूम सकते हो और देख सकते हो। और अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो आपको देहरादून से कितना किलोमीटर है? 15 किलोमीटर प्रेमनगर से 15 किलोमीटर और 15 किलोमीटर और एक्स्ट्रा मान लीजिए तो 30 किलोमीटर आपको देहरादून से घंटाघर से पड़ेगा यहाँ पे आने के लिए। और आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कोटी के बारे में, इंस्ट्रक्शन गूगल मैप पे भी आपको मिल जाएगा, ये देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं झरना के काफ़ी नज़दीक जहां से पानी गिर रहा है, देख सकते हैं। और काफ़ी भीड़ भी लग गया है, काफ़ी लोग घूमने के लिए आ गए हैं, बाहर से लोग काफ़ी आ गए हैं घूमने के लिए। ये देखिए गाड़ी बाइक खड़ा करके वहां पे सब लोग नीचे की ओर आ गए हैं, देख सकते हैं आप, बच्चे लोग काफ़ी सारे हैं। और हम लोग अभी ये पीछे जो रास्ता दिख रहा है उससे ट्रैकिंग करके हम लोग जहाँ से पानी आ रही है झरना जहाँ पर है वहाँ पर जाएँगे धीरे धीरे अभी। और थोड़ा अभी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे सब लोगों के साथ, है कि नहीं प्रिंस? तो आगे चलते हैं, आपको वीडियो में दिखाएंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिए और कोटी का मज़ा लीजिए। अगर देहरादून आप आ रहे हैं बाहर से तो कोटी ज़रूर आएँ, मैसूरी सहस्त्रधारा घूमते हुए कोटी एक बार ज़रूर आएँ, क्योंकि आपको मतलब बादल का नज़ारा काफ़ी अच्छा मिलेगा। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में बादल, ये देखिए वो पूरा पहाड़ बादल से ढका हुआ है और काफ़ी लोग आ चुके हैं। तो चलिए चलते हैं आगे और देखिए नज़ारा कितना सही है, ये देखिए अभी ऐसा ही जहाँ से पानी का स्रोत है वहाँ पे हम लोग जाएंगे और वो भी दिखाएंगे आपको, ठीक है। हेलो दोस्तों, यहाँ पे अब रास्ता ख़त्म हो गया है, काफ़ी ऊपर आ गए हैं और यहाँ पे अब ट्रैकिंग का रास्ता है। अब मुझे हम लोग को ट्रैकिंग करके ही जाना पड़ेगा और रास्ता देख लिए कितना मतलब काफ़ी ख़तरनाक था। और हमारे प्रिंस ड्राइवर ने चलाया है गाड़ी, बहुत अच्छा से ड्राइव किया है स्पोर्ट्स बाइक को और हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं कादम लग, ये मतलब सबसे ऊंची पहाड़ है ना, यहाँ से रास्ता इसके खत्म है कोटी गांव का, पूरी कोटी गांव का यहाँ से रास्ता खत्म है, ये लास्ट ही है, यहाँ से कोई रास्ता नहीं है। मतलब हम लोग सबसे ऊंची पहाड़ पे आ गए हैं और एक मंदिर दिख रहा है हमें, वो देख सकते हैं आप, तो शायद हमें वहाँ चलना होगा, तो उस मंदिर का रास्ता हमें ढूंढना पड़ेगा। दो मंदिर है यहाँ पे, दो मंदिर है कहाँ कहाँ? एक ऊपर, एक कौन सा? तो कौन सा मंदिर पे चले पहले हम लोग? आओ इधर चलते हैं, कौन सा पहले ऊपर की? चलो हम लोग एक मंदिर को चूज कर लिए, शायद ये वाला मंदिर दिख रहा है आपको, वहाँ पे उस मंदिर की ओर चलते हैं और वीडियो में बने रहें अंत तक। और कोटी गांव काफ़ी ही सही जगह पे स्थित है, मतलब यहाँ का लोकेशन बहुत ही बेहतरीन है, आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन है कोटी गांव का। और बाइक खड़ी कर दिए हैं, हमें पैदल चलना होगा, कोई साधन भी नहीं है ऊपर चढ़ने का, बाइक नहीं ले जा सकते ना। और हमें लगता है यहाँ पत्थर वत्थर काफ़ी, वो क्या बोलते हैं उसे, हैं गिरने वाले, हाँ वो पत्थर वत्थर गिरते रहते हैं शायद, ये देख सकते हैं ये। तो प्रिंस अभी खतरों का खिलाड़ी बने हुए हैं और ट्रैकिंग कर रहे हैं। और हमने भरद्वाज का भी वो देखा वहाँ से, हैं भरद्वाज, भरद्वाज मंदिर, मंदिर है ऐसे हाँ। ट्रैकिंग भरद्वाज मंदिर ट्रैकिंग का 7 किलोमीटर आप ट्रैकिंग करके जा सकते हैं। और मंदिर का रास्ता हमें नहीं दिख रहा है ना, ये कहीं का रास्ता हम चल के आगे दिखाते हैं, ये देखिए मंदिर वहाँ है और हम इस रास्ते जा रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा मंदिर का रास्ता, बताओ फिर क्या करना है आप? भाई किसी चीज का, अरे ये देखो कहाँ पहुंच गया
वो क्या था है? बघीरा नहीं था, सांप वाप का फुफकारे थी। हाँ, सांप का फुफकारे थी है? सांप फूक रहा था शायद। सांप था? अब कैसे जाएंगे मंदिर का रास्ता, और सेफ नहीं है वो रास्ता। अब हम दूसरे मंदिर चलते हैं। वो देखो कितना नजारा, पेड़े कितने सही सही हैं भाई। इसमें नहीं दिख रहा था कैमरे में, नहीं दिखेगा। मंदिर जाने का रास्ता है ये, मंदिर जाने का। अब हम एक कोई मिला है उससे बात कर। तो हमें गांव में किसी से बात तो नहीं हुई, बट एक ये दो प्यारे प्यारे मित्र मिले हैं हमारे। बाबू अपना नाम बता दो। अब बताओ तुम्हारा नाम क्या है? शिवम। पूरा नाम बताओ। शिवम कुमार। और वो कौन है तुम्हारा? ये छिप गई। अरे अरे इसे भी देखो। उसका नाम वो है क्या? क्या? अरोही। तो मंदिर जाने का रास्ता बता सकते हो कहाँ से है? ये वाली। हम वो वाली रास्ता चूज किए तो कुछ सांप की फुफकारे आ रही थी। तो सांप वहाँ भी रहता उधर भाई, किसी चीज की आवाज आ रही थी। चलोगे मेरे साथ? नहीं। ये क्या मुकाबला कर? किसकी पाइप फट रखा है? हम लोग तो सोचे कुछ और ही है भाई, मंदिर का रास्ता है, हम लोग गलत रास्ता चूज कर लिए थे वो वाला, और वो पाइप फट रखी है, उसकी आवाजें थी। रह रहा की आवाजें आ रही थी, तो हमें लगा कुछ है क्या प्रिंस। तो हम लोग गलत रास्ता अपना लिए थे, और कुछ आवाजें आ रही थी, तो वहां से तो जाना सही नहीं है। अब मंदिर का रास्ता कुछ और ही मिल गया हमें, वो छोटा बच्चा बता दिया शिवम, मंदिर का रास्ता ये है। तो चलिए मंदिर का रास्ता हम लोग करते हैं। क्या क्या प्रिंस? और देखिए छोटी छोटी सी जगह में यहाँ पे खेती होती है, आप देख सकते हैं, मतलब पहाड़ के किनारों से कैसे खेती करते हैं लोग। अब देखिए कितनी छोटी सी जगह में खेती कर रहे हैं लोग। और पानी वानी का क्या, कैसे करते हैं प्रिंस? देखिए मक्का कर रखे हैं, और ये देखिए हल्दी वल्दी भी लगा रखे हैं, हर एक चीज़। धान भी कर रखे हैं शायद, वो धान है क्या है पता नहीं, बट मक्के हैं, मक्के दिख रहे हैं हमें। और छोटी छोटी हल्दी वल्दी कर रखे हैं, और आम आम का पेड़ तो नहीं दिख रहा है, बट रास्ते में आ रहे हैं तो आम का पेड़ काफ़ी था, और हम लोग खा नहीं पाए, शायद लौटते टाइम खाएंगे, है कि नहीं। और ये देखिए नदी, पानी ऐसे जाता है, शायद पानी सूख रहा है। तो चलिए पहले मंदिर में जाएंगे, मंदिर का दर्शन करेंगे, और उसके बाद फिर वहाँ से नज़ारा देखेंगे। मंदिर बस पहुँचने वाले हैं, देखिए आ गया मंदिर पूरा, देख सकते हैं, मज़ा आ गया। कोटी गांव घूमकर मज़ा आ गया। यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है, बस उनको फॉलो करें और आएँ घूम सकते हैं। बहुत ही प्यारा जगह है, बहुत ही अच्छा जगह है। अभी देहरादून से आए हम लोग, तो देहरादून में काफ़ी धूप था, और धूप था काफ़ी गर्मी थी, लेकिन यहाँ पे आए तो मतलब क्या बोलते हैं उसे, बादल ही बादल था, और मौसम काफ़ी ही सुनहरा था। मौसम यहाँ पे सुनहरा है अभी भी, और यहाँ पे मौसम अचानक से बदलते हैं। देखिए नज़ारा, गांव है मतलब 10-15 घर होंगे यहाँ पे। कोटी से 3 किलोमीटर ऊपर हम लोग आए हैं, कोटी से 3 किलोमीटर ऊपर एक छोटी सी मंदिर। हमें इस मंदिर के बारे में पता नहीं था, लेकिन गांव वाले ने बताया कि आप जा सकते हैं। फिलहाल हम लोग पहुँच गए हैं। ये देखिए ये छोटी सी ट्रैकिंग में हमारी हालत ख़राब हो गई, तो भरदाज का कैसे ट्रैकिंग करेंगे 7 किलोमीटर का, हैं भरदाज देवता का, बताओ फ्रेंड्स। पहुँच गए हैं, कोई रास्ता नहीं है, बट रास्ता बना के पहुँचे हैं। ओहो, अब यहाँ से नज़ारा सही दिख रहा है। यस, यहाँ से बहुत सही नज़ारा दिख रहा है। देखिए ये देखिए खेत, ये पहाड़, वो नदी। ऐसा मान लिए कि नदी यहीं से निकलती है, बट अभी नदी में पानी है नहीं। पेड़ देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग शिमला में है ना प्रिंस? शिमला वाला पेड़ दिख रहा है, पेड़ का फील आ रहा है जैसे शिमला का पेड़ है। हाँ चलिए ऊपर चलते हैं। फिलहाल मंदिर में आ गए हैं हम लोग। यस, और लाइट की व्यवस्था के लिए यहाँ पे स्विच प्लेट लगा हुआ है शायद। यस, स्विच प्लेट लगा हुआ है। और मंदिर तो काफ़ी ही प्यारा है,
देख सकते हैं कितना प्यारा है मंदिर। अच्छा, मंदिर की रखवाली के लिए कोई बैठा भी है। ये देखिए, मिले इनसे, बात करें, भूखेंगे तो नहीं भाई? ये तो शेर लग रहा है मुझे प्रेम भाई, ये शेर से कम नहीं है। ये देखिए गांव, बस यही तीन चार गांव हैं, मतलब घर हैं इसके। और ऐसा लग रहा है हम लोग शिमला में आ चुके हैं, क्योंकि इसके देखिए इसकी कारागिरी देखिए कारीगरी। अरे ये तो पानी निकाल दिया, वाह भाई वाह। हम थोड़ा पानी पीएंगे। तुम CS इंजीनियर नहीं, मैकेनिकल इंजीनियर बनो। नल खराब था फिर भी ये पानी निकाल दिया, ठीक है। अच्छा ये देखिए, ये देखिए, ये शिमला का फील इसलिए दे रहा है क्योंकि पेड़ सारे शिमले वाले हैं। शिमला का पेड़ जैसा लग रहा है कि शिमला में सारे ऐसे ही पेड़ होते हैं। और देखिए नदी की शुरुआत वहाँ से होती है, देख सकते हैं। पानी तो नहीं है बट जहाँ से शुरुआत होती है नदी, वहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। और देखिए आपको बैकग्राउंड कैमरा से अच्छे से दिखा देते हैं एक बार। ये देखिए, ये देखिए पानी निकाल दिया पीने के लिए, निकालो, निकल गया, पी लिया हमको दो, थोड़ा लो पानी पिए थोड़ा। भाई इधर देखो, पानी का स्वाद काफी टेस्टी है, बहुत ज्यादा टेस्टी है। पहाड़ का पानी है, दिस इज रियल माउंटेन वाटर भाई, जिसके लिए ज्यादा टेस्टी पानी कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं। अरे बारिश आ गई भाई, बारिश आ गई, पहले दोस्तों रुको। अभी से हमें प्रिंस नल को बंद कर दिए हैं और हम लोग मुसीबतों में घिर गए हैं क्योंकि बारिश आ गई, यहाँ पे बारिश आ गई है। अब लाइव बारिश दे सकते हैं और हमें छिपना चाहिए क्या प्रिंस? ये देखिए, हाँ फोटो निकालेंगे, पहले छिप जाना चाहिए हमें। ये देखिए, ये हम ट्रेवल करके काफी ऊपर कोटी गांव में एक मंदिर पड़ता है जो शिव जी का मंदिर है, यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, ये नीचे नदियाँ हैं, झरने हैं, बाकी ये गांव है एक हिल स्टेशन की तरह, पूरी गांव का ये नज़ारा है अद्भुत, जो कि बहुत कम लोग रहते हैं और थोड़ा पहाड़ों पे जीवन थोड़ा कठिन होता है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना हरा भरा पूरा नेचर अपने पूर्ण रूप से यहाँ पे अभी है। यहाँ पे बारिश भी हो रही है अभी हल्की हल्की, हम लोग थोड़ा और पहले बारिश देखे हैं। तो ये देखिए, ये मंदिर का एक पेड़ है छोटा सा, यहाँ पे लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं, कुछ चुन्नी बांध के। शायद ये माता जी का मंदिर है, यहाँ के लोकल देवी है। और देखिए ये दोस्तों, ये खेत पड़ता है जहाँ पे देखिए छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अपनी खेती करते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी भी टिक जाता है छोटे पार्ट्स में और काफ़ी चीज़ें एक साथ कर लेते हैं खेती। तो ऊपर देखिए ये बादल जा रहा है अच्छे से, बाकी ऊपर यहीं ऊपर ही जगह पे भद्राज देवता का टेम्पल है, जो कि हम प्रेमनगर के रास्ते अगर आते हैं तो कोटी गांव में रुक के वहां से ट्रैकिंग करते हैं और ऊपर जाते हैं, 7 किलोमीटर की ऊपर ट्रैकिंग करके भद्राज देवता के टेम्पल पे पहुंचते हैं। सो ये तो हुई ये जगह है। ये देखिए आप, शायद पहाड़ टूटा है, यहाँ का मलबा नीचे आया हुआ है, गिरते गिरते यहाँ नीचे नदी की तरफ भी गया है और इस पे अभी तो पानी का बहाव नहीं आया है, तो अभी ये आराम से दिख रहा है। और ये सामने देखिए, ये देवदार का पेड़ है जो कि आप हिमाचल प्रदेश की वादियों में पा सकते हैं या फिर उत्तराखंड में काफ़ी ऊपर जाएं जैसे उत्तरकाशी के आगे, फिर वहाँ पे मिलता है। बट कोटी में भी ये नज़ारा देखने को मिलता है अद्भुत, जो कि कहते हैं हेवन ऑफ उत्तराखंड। और आप देख सकते हैं ऊपर बादल का एकदम बिल्कुल ही अस्पष्ट नज़ारा और एकदम भरे हुए बादल और थोड़ा शाम सी मौसम है क्योंकि बारिश होने वाली है। यहाँ पे हम मंदिर के अंदर से ब्लॉगिंग कर रहे हैं और आप नीचे देख सकते हैं, नीचे खेती हो रही है, अच्छे से हो रही है खेती। और एक नदी यहीं से निकलती है, आप देख सकते हैं नदी का छोर, देख सकते हैं अभी पानी तो नहीं है
शायद बरसात में बारिश होगी तो ये देखिए यहीं से नदी निकलती है, ऊपर से मलबा भी गिरा है शायद पहाड़ टूटने की वजह से, और नदी देखिए सीधा नदी है, ये सीधा नदी है, यहाँ से जाते हुए नदी का स्रोत यही है, आप देख सकते हैं नदी यहाँ से जाते हुए आगे निकलते हुए नदी जाती है, सीधा ये निकल जाती है आपको, मतलब अगर देहरादून आए हुएंगे तो बता देता हूँ कि आप जब वहाँ से आएंगे विकास नगर से आगे आएंगे चक्राता के हिल्स को पकड़ेंगे तो वहाँ पे एक नदी पड़ती है, तो उस नदी में जाके यहाँ से मिल जाती है, तो अगर जो नहीं जानते हैं उसके लिए मैं बस साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि ये नीचे जाती है प्लेन्स में और प्लेन्स से जाके सीधा मिलती है गंगा यमुना में, और आप देखिए वो काले बादल, शायद बारिश हैवी होने वाली है, उड़ते हुए जा रहे हैं, इधर भी देख सकते हैं आप बादल, देखिए पेड़ों को छू गई है, देखिए आप अभी अभी नहीं था, अभी पूरा क्लीन था, अभी देखिए पूरा पेड़ ढक गए हैं, हमें लगता है कि अगर 5 मिनट और रुके तो ये मंदिर भी बादल से ढक जाएगा, और देखिए ये प्यारा सा मंदिर देवी का, यहाँ की लोकल देवी है और वो ऊपर गांव है, वो लोग यहाँ की पूजा अर्चना करते हैं, बाकी साफ सफाई तो बिल्कुल ही रखते हैं, और यहाँ पे रख रखाव भी है, और जहाँ की हमने दिखाया था कि पीने के लिए यहाँ पे पानी भी है, अब आप सोचिए ऊपर कितनी मेहनत से पाइपलाइन करके यहाँ पे पानी लाया गया होगा, यहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी भी सही है, जियो का भी आ रहा है नेटवर्क और BSNL का भी आ रहा है, एयरटेल का भी आ रहा है, कुल मिला के कह सकते हैं कि यह गांव परफेक्ट है। अगर आप पहाड़ों में घूमना चाहते हैं और देहरादून में कुछ ऐसी फीलिंग्स चाहते हैं जो कि हमको हिमाचल में जाके या फिर देहरादून में उत्तरकाशी साइड जाके मिले तो आप कोटी आ सकते हैं, यूर वेलकम। अब देखिए आप कितना प्यारा मौसम, और मैं किसी और से मिलाना चाहता हूँ जो कि शायद चला गया, अच्छा वो चला गया, वो मंदिर का रखवाली करता है, वो शेरू था, शेरू पूरा शेर जैसा लग रहा था। अब देखिए एक नज़ारा एक बार सही से देख लीजिए आप, गांव का, गांव ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 15 से 20 घर होंगे बस, ये कोटी से ऊपर 3 किलोमीटर आने पर ऊपर आता है ये देखिए। कुल मिला के हम बता सकते हैं कि जहाँ से एक नदी की शुरुआत होती है वहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, और ये फूल देख रहे हैं, बचपन में जब सरकारी स्कूल में गए थे, हम भी पढ़े हैं सरकारी स्कूल में, तो ये फूल सरकारी स्कूल में भी लगाए थे, तो ये देख सकते हैं बहुत दिन के बाद इस फूल का दर्शन हुआ है मुझे, और क्या बताएं अब, ये पेड़ तो शिमला वाला फील दे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे शिमला में घूमने आए। देखिए अब ये कुछ नहीं दिख रहा है, अब देख सकते हैं, अब थोड़ा देर और होने के बाद ये मैं श्योर कह सकता हूँ कि ये मंदिर भी ढक जाएगा। सो हेलो दोस्तों, देख सकते हैं 5 मिनट हो गया, और मैं आपको बता रहा था कि 5 मिनट में बादल मंदिर को भी घेर जाएगी, तो आप देख सकते हैं बादल ये पूरा, तो ये पूरा ढक गया, देखिए कुछ दिख नहीं रहा, और ये देखिए बादल यहाँ पूरा मतलब मंदिर तक आ गया है बादल, ये बता सकते हैं आपको कि पूरा बादल फोकस हो जाए एक बार, यस देखिए पूरा मतलब मंदिर तक आ गया, मैं बैक कैमरा से आपको दिखा, ये देखिए बादल नीचे तक आ गया है मंदिर तक, कुल मिला के बादल मंदिर में भी आ चुका है, आपको कुछ मिनट पहले देखिए बादल कैसे जा रहा है, और ये देखिए कुछ नहीं दिख रहा, पेड़ आपको पेड़ दिखाए थे 2 मिनट पहले, कुछ नहीं दिख रहा है, ये देखिए सारा बादल से भर चुका है, ये देखिए कुछ नहीं दिख रहा, सारा ढक चुका है, कुल मिला के हम भी नहीं दिख रहे होंगे, अगर कोई हमें नीचे से देख रहा होगा या ऊपर से देख रहा होगा तो हम भी नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि हम भी एक बादल से घिर चुके हैं, बादल में हैं हम भी। देखिए गांव का कुछ भी नहीं दिख रहा है, और ये मंदिर की सफाई भी हो रही है, सफाई अभियान भी चालू हो गया है, और झाड़ू भी रखा हुआ, झाड़ू भी लगाएगा, देखिए तो नज़ारा तो काफ़ी सही है, हमें उम्मीद नहीं था कि बादल यहाँ तक आ जाएगी और हम लोग बारिश में घिर जाएंगे। ये देखिए एक पेड़ नहीं दिख रहा है, जो शिमला का पेड़ दिख रहा था सारा ढक गया है, हल्का फुल्का वहाँ पे दिख रहा है, बाकी ये सब सारा ढक गया है, देखिए शिमला का पेड़। और हम सोच रहे थे कि खेती के लिए पानी की आवश्यकता कहाँ से आती होगी, तो ये बारिश आ गया और इनको पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, ये देख लीजिए प्रिंस, हम लोग बारिश बादल से भी घिरे हुए कि नहीं, हमें न कोई देख रहा होगा ऊपर या नीचे से, कोई नहीं देख पा रहा होगा, और ये घंटी के बाद जब बारिश खत्म होगी, मौसम साफ होगा, तभी हम लोग यहाँ से निकल पाएंगे, क्योंकि ऐसी सड़कों पे, पानी वाली सड़कों पे गाड़ी चलाना हमें नहीं लगता कि सही होगा, क्योंकि स्लिप काफ़ी ज़्यादा होगा, तो हम लोग इंतज़ार करेंगे इस चीज़ का। दोस्तों आइए देखते हैं कि हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि ये मलबा नीचे आया हुआ है, यहाँ से नदी का स्रोत है, पानी आता है,
तो हम देख रहे हैं अभी कि अच्छी खासी बारिश हो रही है यहाँ पे कोटी में, और हम थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं। ये आप देखिए अचानक से पानी आने लगा है। अभी तो थोड़ा गंदा पानी है क्योंकि अभी शुरुआत हुई है ऊपर से पहाड़ से प्रॉपर। देखिए आप यहाँ से ये रास्ता है, यहाँ से देखिए आप यहाँ से पानी आ रहा है लकीर की तरह, और नीचे देखिए पूरा गंदा होते हुए क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है पानी आने की। आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा अच्छा खासा पानी आ रहा है एक अच्छे खासे अमाउंट में, और देखिए नीचे जाते हुए अब ये नदी के रास्ते पकड़ लेगा। बाकी बीच में आते आते साफ हो जा रहा है पानी, पर अभी शुरुआत हुई है। आप देख सकते हैं आपको ये बहुत रेयर मिलेगा किसी वीडियो में, इवन कि इसी ब्लॉग में नहीं कहीं और भी ब्लॉग में, कि पहले कोई जरिया नहीं था पानी आने का और अचानक से एक रास्ता बना है पानी आने का, एक झरने की तरह पानी आ रहा है। आप देख सकते हैं नदी की स्रोत यहीं से चालू होती है, और अभी बारिश कम हो रही है, जैसे ही बारिश 3-4 दिन लगातार होती रहेगी तो एक तरह से आप ये एक नदी बन जाएगा, पानी भी साफ हो जाएगा और रास्ता भी खुल जाएगा नदी का। तो यही पानी का रास्ता नीचे जाते हुए देहरादून की प्लेन्स में पकड़ लेता है। खेतों में देख सकते हैं पानी भर गया है अब खेत, और आप देख सकते हैं बारिश अच्छी खासी हुई है कि खेतों में धान लगाने भर का पानी भर गया है। अब ये देखते हैं कि आगे कौन सी खेती करते हैं इसमें। इन्हें ना मोटर की जरूरत होती है ना डीजल की जरूरत होती है, नदी यहीं से है, बारिश होती है इकट्ठा हो जाता है पानी। ऐसे खेत ये लोग बना रखे हैं कि पानी इकट्ठा हो जाता है और खेती बहुत ही आसानी से कर लेते हैं, और बहुत मतलब लगता है काफ़ी कम पैसा लगता है, कम खर्चे में लोग खेती कर लेते हैं, अच्छा खासा उपज अन्न का उपज कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको ये बहुत रेयर वीडियो में कहीं मिलेगा कि पानी का पहले कोई स्रोत नहीं था, अचानक से पानी का एक रास्ता बना है और पानी आ रहा है अच्छे खासे अमाउंट में। आप देख सकते हैं ऊपर से, यहाँ से फिर से दिखा देता हूँ मैं आपको, ज़रा सा ध्यान से देखिएगा, ये बन रहा है एक पानी की लकीर, और यहाँ से पानी की शुरुआत होती है, नीचे गिर रहा है, ऊपर कुछ स्रोतों से पानी आके यहाँ पे मिलता है और फिर एक रास्ता पकड़ता है, और रास्ता पकड़ के नीचे से ये मलबे के ऊपर से, क्योंकि ये तो पहले का रास्ता है नदी का, यहाँ से होते हुए ये नीचे प्लेन्स को पकड़ लेता है। हेलो दोस्तों, जहाँ से हम लोग चले थे वहाँ पे दोबारा आ गए हैं, और कोटी का सफ़र हमारा ख़त्म हुआ, कोटी गांव का सफ़र। ये अब लोग हम लोग कोटी गांव को छोड़ रहे हैं, अब जहाँ से चालू किए थे वहीं आ चुके हैं। अब हम लोग प्रेमनगर देहरादून की ओर रवाना होंगे। यहाँ से कितना किलोमीटर, 10-15 किलोमीटर है, और देख सकते हैं इक्का दुक्का गाँव दिखता है यहाँ पर, और थोड़ा सा और एक और नज़ारा दिख लीजिए क्योंकि बारिश का मौसम आया है। तो नदी का आवाज़ सुनिए आप, ये देखिए कितना अच्छा नदी का आवाज़ आ रहा है पानी बहते हुए। और ये हमें छोड़ के भाग गया। जाओ आज आम की चोरी होने वाली है प्रिंस के द्वारा। ये देखिए आम का बगान, और प्रिंस घुस गया है आम के बगान में। Dead, will you regret everything that you did, that you said?
I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. चले दौड़ आएगा तो गाड़ी तेज करो, गाड़ी निकालो पका हुआ हमने नहीं दिखा है, पका हुआ इसमें है भाई, देख लिया है, निकल लो। हेलो दोस्तों, अच्छा खासा हम लोग आम बटोर लिए हैं, ये देख सकते हैं। ये देखिए एलिमेंट जब हार लिए आम से, ये आम की चोरी आज सफल रही और कोठी गांव का भी सफर सही रहा। और प्रिंस प्रिंस आम दबा लिए हैं, कहाँ आम खा रहे हैं। अरे बाबू आम अच्छा खासा आम बीच लिए हैं प्रिंस बाबू।